इतना लंबा सजदा किसी ने नहीं किया जितना लंबा सजदा हुसैन इब्ने अली का। तो ये ऐसा सजदा है जिस पे खुदा को मिला। अल्लाह अकबर आवाज आ रही है इस प्यासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सजदे तो जमाने ने किए, कई ऐसे भी हैं जिनके सजदे उनके मुंह पे मारे जाएंगे, लेकिन ये सजदा है जिस पे सजदा भी नाज करता है। ये सजदा है जो सजदों की आबरू है, ये सजदों की इज्जत का निशान है। ऐसा सजदा सजदे सर में झुका कि दस्ते कातिल वो सर जो है वो झुका तो ना सका, गर्दन कट गई लेकिन गर्दन झुकी तो सिर्फ अल्लाह के आगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उन्होंने अजीमत का वो अनेक अनोखा और अलबेला सबक दिया। तो इकबाल की फिर ये कहानी सुनिए कितनी दिलावेज है। सुरख रू इश्क गयूर अज होने शोखी मिसरा अज मजमून हो ता कयामत कते इस्तिबदाद कर मौजे खूने वो चमन ईजाद कर। तो आज मैं और आप उनके हुजूर अकीदतों का खिराज और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए जमा हुए। सारी जिंदगी भी बीत जाए मोहब्बतों का हक अदा नहीं हो पाता। इतना बड़ा एहसान किया इस उम्मत पे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अपना पूरा खानदान कटवा के इस उम्मत की लाज पे आंच नहीं आने दे, इस उम्मत की आबरू बचा ली और नबी अलैहिस्सलाम के दीन की हिफाजत की। इसलिए कयामत तक लोग उनकी रूह को खिराज पेश करते रहेंगे और सलामी पेश करते रहेंगे उनकी शहादत को कि उन्होंने सब कुछ कटवा के भी जो है वो सरबुलंदी और सरखुरुई का रास्ता इख्तियार किया और इज्जत आबरू अपने नाम लिख ली। यजीद रुस्वा हो गया, यजीद दाखले दुश्नाम हो गया और हुसैन इब्ने अली कल भी जिंदा था, हुसैन इब्ने अली आज भी जिंदा हैं। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़शे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बेजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना। तो आज नाज करने के लिए हम जमा हुए और उस्वाए शब्बीरी से खास तौर पे जो चीज हमारे लेने की है वो ये है कि अल्लाह के हुजूर सजदा कभी कज़ा हो। 72 जख्म बदन पे कितनी लाशी उठा उठा के खेमों तक लाए, आपका जब मुबारक पैराहन उतारा गया तो 113 सुराख तीरों के थे, 33 जख्म तलवारों के और 34 घाव नेजों के। लेकिन इस हालत के अंदर भी जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए, नमाज का वक्त था, इमाम ने नमाज कजा नहीं होने दी, पेशानी सजदे में रख दी। اللهم رزقنا بقضائك وصبرا على بلائك تسليما لامرك سبحان ربي العلى। मालिक खानदान कबीला कटवा के, अली असगर कटवा के, अली अकबर कटवा के, भतीजे भांजे कटवा के, हुसैन अपनी गर्दन और अपने बदन को जख्मी करवा के तेरे हुजूर पेशानी रख के तुझे सबसे बड़ा पुकारर यजीद की झूठी और झूठी शहनशाही का इनकार कर रहा है, मेरे मालिक हुसैन सब कुछ कटवा के तेरे पे राजी है, तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ कि नहीं। अल्लाह अकबर। उस सजदाए शब्बीरी ये वो दौलत है जो हमें उनके उस्वाए नूर से नसीब होती है। मैं और आप अगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों से मोहब्बत इश्क और प्यार रखते हैं, कहीं देखिए हमारे सजदे कजा तो नहीं होते और हमारी जिंदगी सजदों की लज्जत से ना आशना तो नहीं है। पांच गाना नमाज के सजदे अपनी जिंदगी का लाजमा बना लो, तुम्हारी दिन तुम्हारे दिन का आगाज सजदों के बगैर ना हो और तुम्हारे दिन का इख्तिताम और शब का आगाज सजदों के बगैर ना हो। पांच गाना रब के हुजूर झुकने वाला दुनिया और आखरत में सरखुरुई और इज्जतें पाता है। अल्लाह जल्ला शानहू अपनी रहमतों के हिसार में रखे।
अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 10 मुहर्रम अल हराम को मरकज़े मुस्तफ़ा के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस्वाए नूर के हवाले से गुफ्तगू होगी। आप सबका वहाँ इंतजार होगा। कारे मा आखर शुदो आखर ज़िमा कारे नशुद मुश्ते खाके मा गुबारे कूचाए यारे नशुद व आखिर।